अज असी तुहानू दसांगे इंडियन नेवी दी स्पेशल फोर्स मरीन कमांडो जिन्हां नू मार्कोस भी कहा जांदा है उन्हां दे बारे। मार्कोस दुनिया दे सब तो ज्यादा खतरनाक ते हाईली स्पेशल कमांडो हुंदे हन। जम्मू कश्मीर दे विच इन्हां नू दुश्मन बियर्ड आर्मी जानी कि दाढ़ी वाली फौज दे नाम नाल जानदे ने। इस कमांडो यूनिट नू साल 1987 दे विच स्थापित कीता गया सी। मार्कोस कमांडो हर तरह दे वातावरण दे विच काम करन दे लई समर्थ हुंदे ने, चाहे फिर ओह समुंदर होवे, जमीन होवे, जां फिर ओह आसमान होवे। मार्कोस नू यूएस नेवी सील दी तरह ही तैयार किया गया है। इन्हां दा सिर्फ इक्को एक उद्देश्य है दी फिफ्टी फेयरलेस। भारत दी जल सेना जां कहीए नेवी दे विचों 1000 सैनिकां दे विचों सिर्फ एक ही मार्कोस कमांडो बन पाउंदा है। इन्हां कमांडो नूं 26/11 दे हमले दे विच बुलाया गया सी। उस समय ही इह दुनिया दे सामने आए सन। इह हर तरह दे ऑपरेशन दे विच काम करदे ने, पर समुद्री ऑपरेशन दे विच इन्हां नूं ज्यादा महारत हासिल हुंदी है। वड्डे वड्डे अते खतरनाक ऑपरेशन नूं इह अपने हौसले दे नाल फतेह कर लैंदे ने। मुंबई दा कोई हमला होवे जां श्रीनगर दी झेलम नदी, बूला लेक जां नॉर्थ ईस्ट दे जंगलां दा कोई भी ऑपरेशन होवे, ए ट्रेंड कमांडो दे लई कोई भी चीज औखी नहीं है। मार्कोस कमांडो इन्ने ज्यादा ट्रेंड हुंदे ने कि समुद्र दे तल दे उपर जाके भी किसी ऑपरेशन नूं पूरा कर सकदे हन। मार्कोस कमांडो बारे ए गल मशहूर है कि उन्हां नूं कोई देख नहीं सकदा, उन्हां नूं ना देखण वाली फौज भी कहा जांदा है। जेकर तुसीं भी मार्कोस कमांडो बनना चाहुंदे हो तां इस वीडियो नूं ध्यान दे नाल देखना। इस वीडियो दे विच असीं तुहानूं उन्हां दी चोण किवें हुंदी है उस दे बारे दस्सांगे, उन्हां दी ट्रेनिंग किद्दां दी हुंदी है ते ओह कहिड़े-कहिड़े बैच पाउंदे ने, इस वीडियो दे विच असीं तुहानूं सारा दस्सांगे। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं हां तुहाडा जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जो टीवी मीडिया। सब तो पहला गल करते हैं मार्कोस दे सिलेक्शन प्रोसेस ते उन्हां दी ट्रेनिंग बारे। मार्कोस कमांडो दी सिलेक्शन काफी ज्यादा मुश्किल हुंदी है, हर कोई मार्कोस कमांडो नहीं बन सकता। इस दे लई स्पेशल लोकां दी चोण कीती जांदी है। मार्कोस कमांडो बनण दे लई सब तो पहला वॉलंटियर बनना पैंदा है। इस दे लई तुहाडा सब तो पहला नेवी दे विच होना जरूरी है। तुहाडी उम्र 20 तों 25 साल दी होनी चाहीदी है ते मार्कोस कमांडो दी ट्रेनिंग 2.5 तों 3 साल तक चलदी है। इन्हां दी ट्रेनिंग इन्नी ज्यादा औखी हुंदी है, इस गल दा अंदाजा तुसीं इत्थों लगा सकदे हो कि 1000 सैनिकां दे विचों सिर्फ एक ही मार्कोस कमांडो बन पाउंदा है। पूरा क्वालिफाइड अते खतरनाक कमांडो बनण दे लई तुहानू 4 पड़ावां दे विचों लंघना पैंदा है। इस दा पहला पड़ा है फेस 1 जानी कि प्री सिलेक्शन। नेवी दा कोई भी जवान जिहड़ा मार्कोस बनना चाहुंदा है सब तों पहला उस नूं 3 दिनां दे फिजिकल टेस्ट दे विचों लंघना पैंदा है। इन्हां 3 दिनां दे दौरान ही 80% जवानां नूं वापस भेज दित्ता जांदा है। जिहड़े जवान सफलतापूर्वक प्री सिलेक्शन नूं पूरा कर लैंदे ने उस तों बाद उन्हां नूं 5 हफ्तिआं दे लई हेल वीक दे विच भेजिआ जांदा है। हेल वीक जवानां दी ट्रेनिंग दा सब तों मुश्किल समा हुंदा है। इस दे विच उन्हां नूं बहुत ज्यादा सख्त तरां दे नाल फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जांदी है। इन्हां 5 हफ्तिआं दे हेल वीक दे दौरान उन्हां नूं सौण नहीं दित्ता जांदा। जेकर किसे दिन उन्हां नूं 4 घंटिआं दी नींद मिलदी है तां इह उन्हां दे लई बहुत किस्मत वाली गल हुंदी है। हेल वीक दे दौरान जवानां नूं हर रोज 20 घंटे एक्सरसाइज़ करवाई जांदी है ते 20 घंटे उन्हां नूं हर दिन दे विच दौड़ना भी जरूरी हुंदा है ते रात पैण ते उन्हां नूं 60 किलो दे बैटल लोड लै के 20 किलोमीटर तुरना पैंदा है। इस तों बिना भी उन्हां नूं कई एक्सरसाइज़ करवाईआं जांदीआं ने ते उन्हां नूं हफ्ते दे विच इक दिन 60 किलो बैटल लोड लैके 120 किलोमीटर तुरना पैंदा है। हेल वीक दी सब तों महत्वपूर्ण ते खतरनाक ट्रेनिंग है डेथ क्रोल। बाकी सेना दे जवान भी क्रोल करदे ने जिस दे विच उन्हां नूं जमीन दे उपर क्रोल करना पैंदा है। क्रोल दे विच चिकण वाले मैदान दे विच शरीर दे उपर 25 किलो वजन रख के उन्हां नूं 2.5 किलोमीटर क्रोल करना पैंदा है। इस ट्रेनिंग तों बाद जदों पूरी तरां दे नाल थक जांदे ने ते उन्हां नूं नींद आउण लगदी है, उस तों बाद उन्हां नूं 25 मीटर दूर इक खड़े टारगेट दे उपर निशाना लगाउण लई कहा जांदा है। इत्थे हैरानी दी गल इह है कि उस टारगेट दे नाल उन्हां दे साथी नूं भी खड़ाया जांदा है ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇਹ ਹੈਲ ਵੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਦੇ ਨੇਵੀ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੋਸ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਬੈਟ ਅਤੇ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਇੰਟਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ INS ਅਭਿਮਨਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੋਸ ਦਾ ਹੋਮ ਬੇਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋਸ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਐਡਵਾਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਐਡਵਾਂਸ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
जिथे इन्हों हर तरीके 33,500 फुट की उचाई तो छाल मारनी पैंदी है। इस तो बाद इन्हों मेजरम के जंगलों के CIG जंगल वार की तकनीक सिखाई जाती है। इस तो बिना इन्हों हाई एल्टीट्यूड से लड़ना होर भी कई तरह के स्नैपर कोर्स कराए जाते हैं। मार्कोस बन तो बाद इन सारे कमांडो न अपनी पहचान लुको के रखना पैंदा है। मार्कोस की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु के विच ही हुंदी है। उस कमांडो के परीक्षण केंद्र गोवा कोची विशाखापट्टनम पोर्ट प्लेयर के स्थित हैं। इन मार्कोस कमांडो के घर वाले तक न भी पता नहीं होंदा कि उनका बच्चा मार्कोस कमांडो है। मार्कोस कमांडो की टीम इन्नी ज्यादा ट्रेंड होंदी है कि वह किसी भी तरह के हालातों के अपने ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। मार्कोस के कुछ कमांडो अज भी जम्मू कश्मीर के आर्मी के जुड़ के काम कर रहे हैं। इस जी मार्कोस कमांडो के बारे जानकारी तुहानू साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना। फेसबुक के पेज जो TV मीडिया जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।